यहाँ का मार्केट डाउन हुआ, ये बिक्री बट्टा भी कम हो गया है और इस तरह का इसका इफेक्ट हुआ है कि आम जनता एकदम भयावह स्थिति है, नौकरी नहीं है कहने का मतलब। और टेलको के अंदर भी ब्लॉक क्लोजर लगभग अब होगी 53 दिन ब्लॉक क्लोजर हुआ इस दो महीना के अंदर। दो ये ब्लॉक क्लोजर क्या होता है? ब्लॉक क्लोजर होता है कि एक महीना में 3 बार बंद कर दिया, 1 सप्ताह के लिए, फिर 3 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए पूरा बंद। और घर में मजदूर रहेंगे और मजदूर को पेमेंट नहीं मिलेगा, उसका छुट्टी एडजस्टमेंट होगा, क्या क्या यही सब ये है, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये हाल है। उसमें भी है वहाँ बाई 6 बोल करके कई हजार इम्प्लाई वहाँ टेलको के अंदर, जो कि महीना में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उसको काम मिलता है, पूरा पूरी महीना भर उसको कोई काम नहीं मिलता है, वो इवन भूखो मरने के कगार पर है यहाँ का स्थिति। और आप समझिए जब टेलको का ये स्थिति है तो उसके ऊपर जो अनुषंगी की इकाई है वो 600-700 के आसपास, वो उसका क्या हाल है? उसका मजदूर है नहीं जमशेदपुर में, चला गया है यहाँ से, ये हालत है। अभी का जो समय है ऑटो सेक्टर का मंदी है, और ऑटो सेक्टर का मंदी के चलते यहाँ के लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, और मंदी को सुधार होने का अभी कोई भी सिचुएशन नहीं पता चल रहा। इसका जवाब सरकार को देना होगा कि मंदी कब सुधरेगी। और जो हम लोग का GDP गिरते जा रहा है उसके बारे में भी सोचना होगा सरकार को कि वो कैसे उठेगा। नहीं उठेगा तो यहाँ का कम से कम करोड़ों आदमी जमशेदपुर में है, जमशेदपुर सरायकेला मिला करके करोड़ों आदमी है। हाँ, और करोड़ों आदमी का रोटी का समस्या जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ वर्करों को इतना प्रॉब्लम है कि जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं, कैजुअल जिसको बोलते हैं, कैजुअल जो आज काम करेंगे तो आज उनके घर में चूल्हा जलेगा, नहीं काम करेंगे नहीं चूल्हा जलेगा। स्थिति इतनी बुरी है कि ऑटो सेक्टर में लोगों को बैठाया जा रहा है। कारण है मंदी की वजह से। भाई मंदी है, अभी कुछ लोगों को बैठा दो, लोगों को बैठा तो दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का घर कैसे चल रहा है ये किसी को पता नहीं। ये तो वो सिर्फ वही आदमी जानता है जो बैठा है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरा है, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं होम लोन लिया हूँ, अभी मेरा कंपनी दो महीना से तीन महीना में एक बार सैलरी कर रही है, मेरा बैंक दे नहीं पा रहा EMI, और जिसके वजह बैंक से बार बार फ़ोन आ रहा है कि आपका घर का EMI, बहुत टेंशन हो रहा है, रात में घर में जाकर नींद नहीं होता है, बहुत बुरा है। और सरकार का तरफ से इसमें कोई बयान भी नहीं आ रहा, सरकार तो कहती है कि मंदी है ही नहीं, सरकार तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा कि मंदी है, क्योंकि मैं तो GMT ऑटो लिमिटेड में काम करता हूँ, और यहाँ खास करके जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उनका स्थिति बहुत दयनीय हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लेवल अभी क्या है, बड़ा कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर लेवलों को 10 दिन अगर टेलको बंद कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल को बैठा दे रहा पूरा, और उन लोग का ऐसे ही पेमेंट उन लोग का 6,000-7,000 महीना में खर्चा है, ऊपर से पेमेंट आ जा रहा है 2,000, तो सोचिए उसका घर चलाने में क्या दिक्कत हो। ये ब्लॉक क्लोजर के बारे में थोड़ा और बताएं। ब्लॉक क्लोजर में एक्चुअली क्या रूल, एज पर रूल ब्लॉक क्लोजर का है कि कंपनी अगर काम नहीं है तो कंपनी 10 दिन का ब्लॉक क्लोजर या 8 दिन का ब्लॉक क्लोजर ऐसे लेती है। उसमें 50% आपको देना पड़ता है, 50% कंपनी देती है। सपोज अगर 8 दिन का ब्लॉक क्लोजर है तो 8 दिन का ब्लॉक क्लोजर में 4 दिन आपको अपना लीव देना पड़ेगा, 4 दिन कंपनी पेमेंट देती है। उस सेक्टर में क्या है कि कंपनी का काम तो नहीं हो रहा है, 4 दिन तो ब्लॉक क्लोजर, कंपनी अपने जगह पे भाई उसके पास काम नहीं है, ब्लॉक क्लोजर लगा दी। मरता कौन है? जो एम्प्लॉई है उसका छुट्टी भी कटता है, आधा छुट्टी भी उसका जा रहा है। आप साल में तो 30 छुट्टी दोगे, लेकिन अभी सुनते हैं कि ब्लॉक क्लोजर 54 दिन का ना कितना दिन का लिया जा रहा है साल में, वो कहाँ से मेंटेन करेगा कोई? तो वो किसको मिल रहा है? जिसके पास कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको मिल रहा है। हर इंसान के पास तो राशन कार्ड नहीं है। बोर्डिंग कार्ड बन गया तो बोलता राशन कार्ड के लिए इतने इतना दौड़ रहे, कोई राशन कार्ड का सुन ही नहीं रहा हमारे। जाते हैं कोर्ट तो बोलता फोटो भुला गया, ये भुला गया, अभी तक हमारा राशन कार्ड भी नहीं मिला, तो हम कहाँ 1 रुपया किलो में चावल खाएंगे।
मेरा तो यहाँ रामकृष्ण फॉर्जिंग में कर रहे हैं, मशीन सब का ड्रिल होता है, मिलिंग होता है ऐसे। ड्रिलिंग करते हैं? लेकिन फिलहाल तो अभी काम कंपनी में डाउन चल रहा है, महीना में 10 दिन 12 दिन काम चल रहा है, जिससे हम लोग का भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा है। नवंबर में तो मेरे को 1400 रुपया मिला है। जब इस तरह का मंदी है तो कैसे आपका घर में तकलीफ आती है? तकलीफ तो बहुत ही आती है, जैसे मतलब स्कूल बच्चे का ट्यूशन फीस नहीं भर पाते हैं समय से, रूम भाड़ा भी नहीं दे पाते हैं, ऐसी कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। मंदी में क्या होता है कि हम लोग का महीना भर ड्यूटी होता था पहले, अभी मंदी में क्या हो रहा है कि मेटेरियल हम लोग को जैसे नहीं जा रहा, तो वहीं से हम लोग अभी 8-10 दिन घर में बैठ जाते हैं, उसको मैनेज करने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। महीना भर के जैसे हम लोग को राशन पानी उठाते हैं, उसको 2000 वहाँ रहते हुए भी हम लोग राशन उठाते हैं, बोलता कि भाई इतना तेरा पैसा हो गया, रुको तो एक काम करते हैं अगला महीना उसको मैनेज कर सकते हैं, तो दूसरा को हम लोग मैनेज करने के मांगते हैं कि भाई ये महीना मेरे को दो, अगला महीना जब पेमेंट मिला तुमको हम पहले देंगे, ऐसा करते करते हम लोग मैनेज करके रहते हैं। अब इसमें सरकार को सारा चीज़ समझना पड़ेगा। अभी जैसे उन्होंने कहा GDP, रियल में GDP बहुत डाउन है। अभी BJP की सरकार है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं BJP का विरोध हूँ या JMM के विरोध हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करता हूँ, लेकिन हाँ आप देश में हो, आप क्या बोलते हैं सरकार में हो, सरकार आपकी है तो आपको देश के बारे में सोचना पड़ेगा, सिर्फ मस्जिद मंदिर ये लेकर के चलने से नहीं होगा। इसमें चाहिए था क्या कि बिजली का जो रेट बहुत हाई रेट हो गया है, बिजली के रेट में सब्सिडाइज करे कारखाना चलने में उसको, क्या जैसे छोटे छोटे कारखाने हैं उसी में यह है उस वो देना चाहिए। दूसरी तरफ मजदूरों के लिए एक फंड इकट्ठा होना चाहिए, जो अगर वो बैठा है तो उसको एक मुफ्त कुछ दिया जाए, उसके इलाज की व्यवस्था और उसको 1 रुपया किलो के दर से उसको चावल दिया जाए, जो बंद हो गया जो काम नहीं कर रहा है उसमें कौन कैटेगरी में आता है, कौन कास्ट का आता है उससे कोई मतलब नहीं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलना चाहिए।